बाल बाल बचे हैं। गिरिराज जी जाते वक्त एक हादसा हो गया, सड़क से नीचे उतरकर उनकी कार नाले में जा गिरी। पुंछरी में घुसते ही यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री को इसके बाद फिर दूसरे वाहन में शिफ्ट कर दिया गया। तो आपको बता दें कि आज जयपुर से सुबह भरतपुर रवाना हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आई हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री के काफिले की और मुख्यमंत्री की ही गाड़ी बताई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गिरिराज जी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। सड़क से नीचे उतरकर नाले में ये कार जा गिरी और पूरी तरह से झुक गई एक तरफ। पुंछरी में घुसते ही यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री को इस हादसे के बाद, इस गाड़ी के इस बराबर के गड्ढे में जाने के बाद, दूसरे वाहन में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के काफिले की उस गाड़ी में जिसमें वो सवार बताए जा रहे थे, बाल बाल बच गए हैं मुख्यमंत्री। और ये देखिए किस तरह से ये गाड़ी, ये वाहन सड़क के किनारे में एक नाली थी उसमें जा घुसी। हालांकि गनीमत ये रही कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस हादसे के बाद, इस गाड़ी के दूसरी तरफ नाली में जाने के बाद, उनको यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया। तो गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रवाना हुए थे। आज सुबह जयपुर से वो रवाना हुआ और कई सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के थे। भरतपुर में जब वो पहुंचे उस दौरान रास्ते में कई लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन इस बीच जब वो गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उनके वाहन का ये के साथ ये हादसा हो गया। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां पर सीपी जोशी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की है। विकास कार्य बाल बाल बचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गिरिराज जी जाते समय एक हादसा हुआ है, सड़क से नीचे उतर कर गाड़ी जो है नाले में जा गिरी है। जी हां, आपको बता दें कि फिर से इस खबर को बताते हैं। दरअसल इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बाल बाल बचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि गिरिराज जी जाते समय हादसा हुआ है, सड़क से नीचे उतरकर नाले में गिरी है कार और पुछनरी में घुसते ही हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री को दूसरे वाहन में फिलहाल शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, ये बड़ी खबर। दरअसल मुख्यमंत्री जयपुर से भरतपुर के लिए रवाना हो गए और उस दौरान भरतपुर में गिरिराज जी महाराज से दर्शन करने के लिए वो यहाँ पे गए थे। और आपको ये बता दें कि बाल बाल बचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गिरिराज जी जाते वक्त हादसा हुआ है, सड़क से नीचे उतरकर नाले में कार गिरी है, पुछरी में घुसते ही हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री को इस दौरान दूसरे वाहन में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आज पूरा दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भरतपुर में अलग अलग जगहों पर रहा। गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए वो आए, लेकिन ये एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सुबह राजधानी जयपुर से सड़क के रास्ते भरतपुर आए, भरतपुर आते हुए रास्ते में उनका जोरदार स्वागत लोगों की तरफ से, बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से किया गया। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बाल बाल बचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गिरिराज जी के दर्शन करते वक्त यह हादसा हुआ है। और डिटेल जानते हैं, दीपक कोई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे यह हादसा हुआ, क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी सुरक्षित हैं पूरी तरह से? देखिए बिल्कुल रविंद्र, दर्शकों को सबसे पहले अपडेट दूंगा कि मुख्यमंत्री जी और उनकी जो साथ में लोग थे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो गाड़ी में बैठ करके भरतपुर से रवाना हुए, गिरिराज जी दर्शन करने के लिए पुंछरी जा रहे थे, तभी अचानक जैसे ही पुंछरी में प्रवेश किया। अच्छा, ये कुछ तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। इन तस्वीरों के जरिए देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर आए और गोवर्धन में यहाँ गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और दर्शन वो कर रहे थे, और तभी वहां पर पंडित पुरोहित की तरफ से ये पूजा अर्चना कराई गई है। थोड़ी तस्वीर धुंधली है, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल अभी अभी की खबर है, तुरंत ही एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक पुरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये तस्वीरें तो देख रहे हैं, जब गोवर्धन में गिरिराज जी के दर्शन किए, हुआ क्या था, कैसे हुआ था? जैसे ही वो वहां से आ रहे थे तभी अचानक ही सड़क
के बगल में करीब 4 फीट से अधिक गहरा नाला था और अचानक ही गाड़ी अनियंत्रित होकर के नाले में जा गिरी, जिसके बाद उन्हें दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। गिरिराज महाराज की पूरी मेहरबानी उन पर रही, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और लेकिन ये कारण बताया जा रहा है कि बड़ा लंबा काफिला था उनका और सिंगल रोड थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी हुई और उसके बाद उन्हें दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया और अब वो गिरिराजी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। गिरिराजी दर्शन कर रहे हैं वो, पंडित पुरोहित जो है वो उनको पूजा अर्चना यहाँ पर करा रहे हैं। अब उनके लिए दूसरी गाड़ी जो है वो मंगाई गई है, उसमें वो बैठ करके अब आगे की जो यात्रा है वो करेंगे, लेकिन वो जो गाड़ी है उसे वहीं पर छोड़ा गया है, पुलिस वहां मौजूद है, उसे निकालने का जो काम है वो किया जाएगा, जैसी भी ये वो क्रेन मशीन पहुंचेगी उसके बाद उसे निकाला जाएगा, क्योंकि अभी भी वो गाड़ी नाले में फंसी हुई है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए, इस बड़ी खबर के लिए।